टू होता है एट डिस्टेंस इन कम्प्लीट स्टेम, ठीक है। तो तीनों को 360 सेंटीमीटर कवर करनी होगी, ठीक है। सिंपल सा है जो प्लस के नंबर है, जैसे एडिटिव इनवर्स जैसे छोटा कर देता हूँ, ये है अपना 28 फॉर्म, ये अपना लार्जेस्ट। तो अपने को पता है, जब फाइंड करना है अपने को, तो अपने को पता चल जाना चाहिए कि हाईएस्ट सबट्रैक्ट में कौन वाला पहले लिखते हैं। आपको बता चुका हूँ कि जो सेल्सियम वाला क्वेश्चन है ऐड होते हैं, तो ऐड होके वाला क्वेश्चन में जीरो डिविजिबल बाय यानी क्या है 6/7 कैसे आ सकता है क्वेश्चन, लेकिन माइनस का स्मॉलेस्ट नंबर दोनों माइनस के ऐड हो रहे हैं तो डिविजिबल बाय 1.5 दिस सेकंड वाला माइनस 36 फ्रॉम 42 तो फ्रॉम वाला पहले लिखो तो 42 करने लिखा ये माइनस का साइन लगा सबट्रैक्ट करने के लिए फिर पहले वाले से लिखेंगे माइनस का 36 है तो डिवाइडिंग आ रहा है लिख देते हैं एलसीएम निकलेगा डिविजिबल बाय आता है। अब इसको सॉल्व करते हैं, पहले तो अपने को ये माइनस है जो क्या करना पड़ेगा इसका क्या साइन बनेगा देखो, ठीक है। ऐसे दोनों डिवाइड करते हैं तो ऐसे ऐड करते हैं तो ये लोग अपन माइनस करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड करेगा, इसका मतलब ये है कि 1.51 में से 1 माइनस किया। इसका अगर मैं थर्ड वाले की बात करूं पहले अपन माइनस किया इसमें से 3375 वाला पहले से माइनस कर दिया तो अपन ने माइनस 33 माइनस नंबर ऐसे आगे करने के लिए लगाया फिर अपन लिखेंगे माइनस पूरे पूरे डिविजिबल होंगे उस नंबर से, ठीक है। तो अब इन तीनों का ये कितना आएगा माइनस का फिर ये माइनस माइनस जो है वो अपना क्या बनेगा प्लस एचसीएफ निकालने के लिए माइनस का फैक्टर ये कर दिए हैं, ये प्लस का 30 है, अलग अलग साइन है, अपने ये साइन है अलग साइन है तो सबट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मैंने ये करनी है तो 13 में से यहां से कैरी लेंगे एचसीएफ निकालेंगे। देखो एचसीएफ में पिछले क्वेश्चन में अपन ने देखा है एचसीएफ में सभी के सभी 16 बचेगा लेकिन किसका बचेगा माइनस का, क्योंकि सभी की पावर लेते हैं लेकिन एचसीएफ में क्या कॉमन की ही बात करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ की बात करते हैं, फोर्थ में देखिए सबसे वाला पहले लिखा माइनस का 34 इसमें भी तीनों में है पर पावर करने के लिए लगा पावर लेंगे पहले वाला एच मींस हाईएस्ट होता है पावर लेंगे अपन लोएस्ट, ठीक है। तो 5 की लोएस्ट पावर कौन सी है, तो ये माइनस का 34 ये माइनस इनटू माइनस क्या बनेगा प्लस और 5 की पावर 66 तो इसका मतलब ये होता है कि 600 अलग-अलग साइन के ऐसा लार्जेस्ट नंबर है जो 1 तो आप कमेंट बॉक्स में चलो आगे वाले बुक में इस हिसाब से तो मैंने इसी हिसाब से समझा रहा हूँ, इसके आगे वाले निकालेंगे तो अपन कॉमन देखेंगे कॉमन तीन क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, पावर नंबर 5 है तो 5 की पावर लेंगे फ्रॉम 0 0 पहले लिखा माइनस का साइन 6 वाई करने के लिए लगाया 400 तो पहली पावर 4 आया वो होता है 600 तो वाले का आंसर चलो फिर देखते हैं 0 माइनस 318 मतलब चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं आंसर
आ गया 2019 से फिर करते हैं चलो 6 वाले इसी क्वेश्चन वाले में कौन वाला पहले लिखो अलग से लगता सबमिट करो तो पहले वाला क्वेश्चन लिख देखो फिर माइनस का साइन सबट्रैक्ट करने के लिए लगाना है इसीलिए पहले वाला नंबर देखना है तो चलो क्वेश्चन देखते हैं टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी कैन बी नेगेटिव हो गया अपना माइनस का 240 होली माइनस x अपने को पता है प्लस होने वाला है x2y2 वो भी है xy बड़ा नंबर है अपना 240 x एंड y आर छोटा नंबर है xy प्राइम नंबर है इसका मतलब ये प्राइम फैक्टराइजेशन साइन है तो अपने को पता है सबट्रैक्ट होंगे जो ये वैल्यू का 10 में से चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे इसी के क्वेश्चन नंबर 7 पे टोटल है एक्सो फ्रॉम वाई वो सॉरी माइनस से तो फ्रॉम जीरो तो वाला पहले लिखो माइनस का एल इज लोएस्ट होता है लगाओ पावर लेके हाई नंबर लेते हैं हाईएस्ट पावर है माइनस का 64 वाई की हाईएस्ट पावर ये देखो माइनस माइनस हो गया प्लस तो आंसर आ गया सिंपल सी बात है ठीक है तो फिर बात करते हैं फंडामेंटल मतलब ये कि ये तो वाला है माइनस 53 ये पता 140 तो ये पता होना चाहिए फ्रॉम वाला पहले 144 माइनस का लगाओ और ये माइनस 53 है x और y की ही पावर है तो अपन x पहले लेंगे y लेंगे ठीक है पहले तो ये बीच में साइन क्या आएगा उसके बारे में बात करो तो माइनस सेकंड क्वेश्चन है फाइनल रेशनल नंबर √2 √3 ऐड कर दो दोनों को और √3 के बीच में रेशनल नंबर है 5 √2 और 4 की वैल्यू पता नहीं है तो एक डिवीजन मेथड आता है एंड दिस इज डिवीजन मेथड से रूट निकालने का वो रूट निकाल सकते हैं ठीक है वो आपको आना चाहिए ठीक है तो रूट 2 की वैल्यू है 1.414 और रूट 3 की वैल्यू होती है आगे वाले क्वेश्चन ये वैल्यूज अपने काम भी आती रहती है ठीक है तो ये तुमको ऑटोमेटिक लर्न होनी चाहिए ठीक है मेरे ख्याल से तो रूट 2 है 1.4 और रूट 3 है 1.7 तो इसके बीच में कोई भी रेशनल नंबर अपन अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बोल देना एक दिन अपन डाउट सेशन करते हैं इसका अगर पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे टेन आएगा 15 इसमें आपके सारे डाउट ठीक है चलो अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 क्या है क्वेश्चन नंबर 5 है सबट्रैक्ट द सम ऑफ मौजूद इन दोनों का सम को सबट्रैक्ट करना है फ्रॉम माइनस चलो फिर देखते हैं एक क्वेश्चन तो पहले तीन दोनों का सम कर लेते हैं तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन करते हैं अपन चलो ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें ये क्वेश्चन है सो दैट प्लस का है अपॉन 7 इज नॉट ए रेशनल नंबर गिवन दैट रूट 2 इज एन अपने को पता है अलग अलग के मतलब डिफरेंट साइन रूट 2 क्या है तब तक रेशनल नंबर है नंबर से कट होंगे कि 12 से 4 गया 8 गया तो रेशनल नंबर नहीं है मतलब यहां देखो 12 से 7 जाएगा तो कंट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे 9 में से इस नंबर को तो कितना आएगा रेशनल मान के चलेंगे 54 बचेगा किसको रखेंगे माइनस नंबर माइनस क्या लेंगे अपन बड़ा रेशनल नंबर ठीक है अच्छा अब सुनो अब इसको रेशनल नंबर मान लिया तो इसको क्वेश्चन क्या है कि फॉर्म में लिख सकते हैं p / q को कैंसिल करके a / b लिख दिया ठीक है क्वेश्चन क्या है यहां पे ये है इंटीजर्स इसके अंदर है इंटीजर्स तो क्वेश्चन है सबट्रैक्ट द सम ऑफ इन दोनों के सम को सबट्रैक्ट करना है किसमें से फ्रॉम माइनस तो फ्रॉम वाला पहले लिखो अपन रूट 2 बचना चाहिए तो क्या लिख सकते हैं माइनस का साइन तो फोर माइनस का साइन लगाया इन दोनों का सम कितना होगा माइनस का 1 माइनस 7 अपॉन b माइनस 2 ठीक है यहां एलसीएम है तो ये आया अपना माइनस का 30 को भी से डिवाइड करके माइनस प्लस होने वाला है आप लोगों ठीक है यहां देखो डिवाइड करने के कुछ भी नहीं है तो डायरेक्ट अलग-अलग साइन है तो नंबर सबट्रैक्ट होंगे तो सबट्रैक्ट कर दो 150 फॉर्म क्योंकि इन दोनों का सम रेशनल नंबर तो रेशनल का सम कभी इक्वल नहीं हो सकता ठीक है क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं लिख लिया कि एलएच को क्लियर फर्स्ट इज रेशनल एंड आरएचएस ऐड करेंगे इसे ऐड करेंगे तो देखो ये प्लस और माइनस कोई भी रेशनल नंबर रेशनल नंबर इक्वल नहीं हो सकता नहीं हो सकता कि ये पॉसिबल नहीं है अब ये पॉसिबल नहीं है ये जो कंट्राडिक्शन हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है क्योंकि अपन ने शुरुआत में गलत की अब अलग-अलग साइन है दोनों का अपन बोलेंगे क्या होंगे सबट्रैक्ट हैं सबट्रैक्ट पोजीशन को अपन ने जो बड़े को ऊपर लिखो अपन ने लेट किया वो नीचे है और 17 8 माइनस 2 प्लस 3 √2 कितना हो जाएगा 9 नॉट ए रेशनल नंबर ये 7 बताया सेवन में चले गया था इरेशनल नंबर ओके तो आज के 2019 क्वेश्चन के जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को लगे सभी सेट्स में से वो मैंने आपको बताए तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे 2019 लेकिन किसका बचेगा इंपॉर्टेंट माइनस का बचेगा फर्स्ट चैप्टर माइनस फिर आपको बता देना कि आपको कौन से चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर दोबारा से देखो तो मैं हटा देता हूं एंड थैंक्स फॉर वाचिंग क्वेश्चन ये था फ्रॉम में क्या आ रहा था फ्रॉम में इन दोनों का सम आ रहा था फ्रॉम वाला पहले लिखेंगे माइनस का 49 माइनस का साइन सबट्रैक्ट करने के लिए लगाएंगे और ये 134 माइनस का 134
तो ये आया अपना माइनस का 49 और ये माइनस माइनस हो गया प्लस 134, तो 134 बड़ा है, 49 छोटा है, डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करो, तो ये अपना 14 में से 9 माइनस होगा तो कितना बचेगा 5। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशाम जी, जाएगा लेकिन वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वंस अगेन वेलकम बैक टू द सेशन, दिस इज योर मास्टर डीजे हर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, तो कैसे हो मेरे पैर में एसिडिटी प्रॉपर्टी दिखा रखी है यहां पे -13 27 माइनस हो गया, माइनस 13 27, तो इसमें क्या आ जाएगा 14, ठीक है, ऐसे ही इसमें ये माइनस का एक भी आ जाएगा। इधर बात करें तो ये अपना माइनस का 76 आ जाएगा। ओके सर, गुड आफ्टरनून, एक तो लिखाई हुआ है माइनस 72 में क्या ऐड करेंगे, माइनस 72 है तो ये आएगा 0, तो ये माइनस इनटू माइनस 83 ये कितना बनेगा प्लस 82, आई थिंक ये आपको दिख रहा होगा। आशीष, सोनिया, देता हूं रियाज, मनु, आशीष, संदीप, हिमानी, देखो माइनस का 60 है उसमें से माइनस क्या करें कि अपना 59 आए, कैसे हो, ऑल गुड, ऑल ग्रेट, माइनस का 60 और अगर मैं प्लस का 1 ले लेता हूं तो ये अपना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों आज लीनियर इक्वेशन जब अलग अलग डिफरेंट साइन होंगे चैप्टर का फिर नंबर सब्ट्रैक्ट होंगे तो 59 बचेगा और माइनस चैप्टर में यहां क्या आएगा अपना माइनस का 1 आएगा, तभी ये प्लस का होगा, इसी चीज से पढ़नी है, ठीक है, कहां से इसको आप सॉल्व करके देख लेना तुम्हारा माइनस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग लीनियर इक्वेशंस में माइनस का 31 है कितना ऐड करेंगे, माइनस का 4 किया जाए तो यहां अपना आ जाएगा माइनस का 9, क्योंकि मेडली होगा सर, बिल्कुल होगा भाई, माइनस 9 दोनों का सेम सेम है तो नंबर ऐड होंगे, ऐड हो गए ना, और लेकिन सारे लोग रेडी हो, मेडली होगा होगा इतना सा चिराग भाई, अब सब कुछ का है सेम वाला, चलो आगे चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 8। चलिए तो शुरू करने के पहले क्वेश्चन नंबर 8 पे रहा ऑल ऑफ यू मार्क योर अटेंडेंस और शुरू करते हैं, ठीक है, जल्दी से अटेंडेंस मार्क कर दो एंड लेट अस स्टार्ट आवर सेशन, ठीक है, तो बता दूं इस वीक दो सेशन होने वाले हैं, हालांकि एक तीसरा सेशन भी होगा मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे का 25 माइनस, तो अभी के लिए तो आप ये जान लीजिए कि मंडे और वेडनेसडे को सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, इसमें ये जो स्मॉल ब्रैकेट है इनको अपन रिमूव करेंगे, तो कैसे रिमूव होगा, ये माइनस का 13, ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 20, ठीक है, प्लस ये माइनस का 25 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 40, ठीक है, चलो आगे करते हैं, अब देखो डिफरेंट साइन है तो नंबर क्या होंगे, सबट्रैक्ट होंगे 27 में से 13 माइनस कर दो तो ये 4 और ये 14 बचेगा प्लस का, प्लस प्लस मंडे, देखो माइनस का 25 पे प्लस का 40 है, अलग अलग साइन है, डिफरेंट साइन है, तो नंबर क्या होंगे, शाउट आउट अमित सिंह, चलिए शाउट आउट दे दिया, कर दो तो मंडे को बचेगा ये फिर बैटिंग बचेगा तो 615 पीएम पे होगा, प्लस का नंबर अपना बढ़ा है, ठीक है, अब दोनों तो ये ऐड हो जाएंगे तो अपना 20 शायद होना चाहिए, ठीक है, कोई ना देख ले, चलो तो अगर मैं ज्यादा फास्ट बता रहा हूं तो बता देना, नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी सी स्लो में बनाते हैं, ठीक है, चलो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं, याद है ये हमने पिछले से मतलब तुमको दिखाया था पहले कभी एक सेशन में, याद है कि नहीं याद है, क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, याद है, तो इसको सोल्व करना है अपने को, इसको सोल्व करना है, फिर बताना ये दोनों इक्वल आए या फिर पहले वाला में ये वाला सोल्व करता हूं तो क्या है, और ये वेदांतो लगभग रिजल्ट से एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन आया आप सब लोगों के लिए, 36 ये माइनस माइनस अपने को पता है प्लस वाला है तो प्लस नंबर का वेटेज है, ठीक है, दोनों नंबर प्लस के ऐड हो जाएंगे तो 6 10 1 6 3 1 अगेन रूल्स फॉर सेम रिया सॉल्व द क्वेश्चन, अब इसकी बात करते हैं माइनस 64 माइनस 36, ठीक है, गूगल फॉर्म में आंसर बताइए, 4 माइनस 36 दोनों नंबर माइनस के हैं तो दोनों नंबर माइनस के हैं तो ऐड इन सेम साइन है 6 10 0 1 कैरी 6 3 1 10, लेकिन ये आएगा माइनस का, वेदांतु के क्या ये इक्वल आए नहीं है बोलेंगे, दीज आर नॉट इक्वल, तो Where to go? Shweta, you don't have to go anywhere. You will get this. जो भी क्वेश्चन कर रहा हूँ जो मैंने लाइव क्लास ली थी उसके बेस पे है, अगर आपने वो लाइव क्लास अटेंड की होगी तो आपको बिल्कुल अच्छे से आंसर होगा, क्वेश्चन क्या है जानना चाहते हो, चलो तो फिर आगे देखते हैं, जानना चाहते हो जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर कौन से क्वेश्चन नंबर 10 पे, तो सारे लोग जल्दी ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, सी की वैल्यू गिवन है, अपने को वेरीफाई करना है कि ये और ये दोनों इक्वल है, तो चलो वेरीफाई करते हैं, पहला लेफ्ट हैंड साइड अपन निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ए प्लस बी के ऊपर ब्रैकेट है प्लस सी, नंबर ऑफ वैल्यू रखते हैं, ए की जगह लिखा मैंने कितना माइनस का 1 कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डी की जगह लिखा मैंने माइनस का 7 1
प्लस 2 3 4 5 6 7 8 9 का होल स्क्वायर, इतने नंबर को ऐड करेंगे और इसका अंडर की जगह मैंने लिखा 6 करेंगे तो कितने नंबर ऑफ जीरो एक दोबारा नंबर आएगा, चलो उसमें कितने जीरोस रहेंगे ये आपको जगह लिखना है, कितने जीरो रहेंगे इसका 8 ठीक है प्लस काउंट करते हो जगह जीरो माइनस 7 तो कितने लोगों को लग रहा है देख के कि हां सर बन जाएगा प्लस सी की जगह सर वेंट स्टार्ट अब इसको सोल्व करना है आपने इसका अपना सर देखो ये माइनस का 8 ये प्लस माइनस देख के लग रहा है कि माइनस बनेगा 7 प्लस 6 कुछ पता ही नहीं चल रहा है ठीक है माइनस 8 माइनस 7 कितना होगा इसका 15 दोनों नंबर सेम साइन के ऐड हो जाएंगे माइनस का 15 आएगा प्लस का 6 अब देखो दोनों नंबर अलग अलग डिफरेंट साइन के हैं तो फिर क्या होंगे सब तो 15 में 6 जाएगा कितना बचेगा टाइम कितना 9 किसका बचेगा माइनस का क्योंकि माइनस का नंबर बढ़ रहा है ठीक है प्लीज टेल अस मोर अबाउट दिस माइनस का मोर क्या बस आप ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए चलो फिर आगे चलते हैं अच्छा ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई राइट हैंड साइड में इसकी क्या है राइट हैंड साइड में a प्लस b प्लस c उनका नाम निकला है के ऊपर ब्रैकेट है इसमें b प्लस c चलो वैल्यू रखते हैं a की वैल्यू वही है अपनी माइनस का 8 प्लस b की वैल्यू अपन रखेंगे तो b की वैल्यू कितनी है माइनस का 7 मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर तक नाउ प्लस 6 इनके ऊपर ब्रैकेट तो पहले अब उसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 8 प्लस का देखो माइनस 7 है प्लस का कितना है डिफरेंस साइन है तो सबट्रैक्ट होंगे नंबर नंबर सबट्रैक्ट होगी 1 आएगा लेकिन माइनस का 1 बचेगा क्यों क्योंकि माइनस नंबर पे आपको जाके अब देखो ये प्लस माइनस साइन क्या होगा माइनस का ही होगा तो माइनस 8 माइनस 1 दोनों सेम साइन है तो 9 होगा स्माइलिंग माइनस का सर एक डाउट है बताइए वंश दोनों इक्वल आगे लेफ्ट हैंड साइड शुरू करते हैं बस इतना वेरीफाई हो गया है बड़ा ठीक है दोनों इक्वल ही है तो क्वेश्चन नंबर जो अपना 11 है वो भी पहले ये बताओ सारे कितने लोग लीनियर इनइक्वेशन से डरते हैं नंबर 11 पे चलते हैं लीनियर इनइक्वेशन से और कितने लोगों को ये हलवा लगता है जस्ट राइट डरते हैं और जस्ट राइट हलवा लगता है लीनियर इनइक्वेशन कितने लोग क्वेश्चन नंबर 11 अब सॉल्व करते हैं डर लगता है और कितने लोगों को लाइक क्वेश्चन नंबर 11 है अपना ए की वैल्यू माइनस 9 गिवन है बी की वैल्यू माइनस 6 पहले तो ए माइनस बी निकालना है तो मैंने ए माइनस बी तो ए की वैल्यू रखो ए की वैल्यू है माइनस 9 मैंने लिखा ए की जगह माइनस 9 ये बीच में माइनस का साइन था ही है तो बी की वैल्यू रखो बी की वैल्यू है माइनस का यार रितिका बस तू ही डर रही है क्यों डर रही है देख कुछ नहीं तो चलो सॉल्व कर दो इसको तो ये माइनस का 9 और ये माइनस का प्लस इसको हलवा बोल रहा है तो फिर तू क्यों कर रही है बिल्कुल फ्रेंड साइन है तो सबट्रैक्ट होंगे 3 आएगा लेकिन माइनस का ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं फिर अपन करते हैं b माइनस कार्टून लाइन बता रहा है b माइनस a निकालेंगे तो b की वैल्यू रखो माइनस देखो बड़ा सिंपल सा चैप्टर है इसको कुछ ज्यादा करना नहीं है तीन नंबर का वैल्यू रखो तीन नंबर वैल्यू है माइनस से आपके फाइनल ब्रैकेट में लिखना है ठीक है अब अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये सब आपको पता है जैसे ये नेचुरल नंबर होता है होल नंबर इंटीजर रियल नंबर अब देखो डिफरेंस साइन है तो पता है सॉरी 9 में 6 जाएगा 3 बचेगा अभी अपनी बात प्लस का बचेगा तो ये दोनों मतलब नेचुरल नंबर w मतलब होल z मतलब इंटीजर और r मतलब रैशनल सबको पता है जल्दी चलो फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 अगर यो यो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं समझ जाऊंगा कि ये आपको आता है क्वेश्चन नंबर 12 सबको आता है सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या गिवन है द सम ऑफ टू इंटीजर इज -6 दो इंटीजर का सम है माइनस 16 उनमें से एक है 53 अदर टू का होता है ये लार्जर का तो देखो ये लेस देन एक नंबर तो दे रखा है इसने वन नंबर इज गिवन अगर ऐसा कुछ दिखा रहे ठीक है इसका मतलब लेट द सेकंड नंबर बी एक्स और इक्वल जो सेकंड नंबर है उसको अपन ने क्या मान लिया आपको ये पता है ठीक है अगर पूरा सेंटेंस लिख दो लेट द सेकंड नंबर बी मतलब या तो बड़ा होगा अच्छा क्वेश्चन में दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों नंबर का ऐड कैसे सोल्व करते हैं कोई भी चीज इधर प्लस उधर जाती है माइनस अब देखो दोनों माइनस के तो दोनों माइनस के क्या हो जाएंगे एड सेम साइन है तो एड होते हैं तो 63 हो गया 9 और ये 54 1 हो गया ठीक है और दोनों चलिए माइनस का रिजल्ट आया तो x इक्वल टू माइनस का 69 इसका मतलब जो दूसरा वाला नंबर है जिसको नहीं आता कितना है अपना माइनस का 60 आपको साफ साफ समझ में आ रहा है आगे चलते हैं अपन 2 से बड़ा है तो आप इधर मुंह खोल दैट्स इट इतना ही सिंपल है 3 इज ग्रेटर देन 2 आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे क्वेश्चन नंबर 13 में भी ऐसा ही है सेम क्वेश्चन अगर मैं लिखता हूं बस डिजिट चेंज हो गए हैं सम दे रखा है दो इंटीजर का 65 उनमें से एक है माइनस का 31 ए की वैल्यू आप 3 ले सकते हो या फिर 3 से बड़ा माइनस 31 ए की वैल्यू होगी 3 होगी या 3 से बड़ी होगी
तो ग्रेटर देन और इक्वल सिंपल इतना ही मतलब समझ गए सारे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला bx दोनों के ऐड की बात कर रहा है ये -31 + x इज इक्वल टू कितना लिखना 65 इसमें बस यही सारी चीज ठीक है। तो -31 इधर उधर जाएगा तो राइट हैंड साइड में आपके पास प्लस में जाएगा तो x = 65 माइनस का 31 गया प्लस का सवाल ठीक है। अब दोनों प्लस के नंबर हैं ये तो ऑब्वियसली ऐड हो जाएंगे आपको बता दूं जैसे बड़ा सिंपल तरीका है अगर मान लीजिए आप 2x - 10 = 20 लिखते हो ठीक है तो आप इसको क्या है वो देखिए माइनस से उधर जाके ऐड होगा 20 + 10 30 हो जाएगा ठीक है। तो 14 वाला क्वेश्चन है डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a कैंसिल आउट करो माइनस फाइंड द वैल्यू सेम तरीके से सॉल्व होगा अगर यहां पे डिफरेंस की बात कर रहा है कि एक को इंटीजर अपना a है एक अपना फिक्स है दोनों को माइनस करें तो फोर आना चाहिए पूरा 20 है वैसा ही लिखो बीच में एक साइन दे देते हैं ग्रेटर माइनस चलो ऐसा मान लो माइनस 6 एग्जैक्टली सेम तरीके से इसको इधर भेजिए डिफरेंस निकालना तो मतलब माइनस ग्रेटर है तो a लिख दो पहले फिर डिफरेंस के लिए माइनस का साइन लगाएंगे और फिर दूसरा नंबर माइनस और ग्रेटर है 2x तो ये क्या बनेगा माइनस माइनस होके क्या बनेगा प्लस तो x ग्रेटर देन 3 चलो फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसमें क्या करना है क्वेश्चन नंबर 15 में अपने को ऐसे इंटीजर के पेयर लिखने हैं जिनका सम 0 आए तो 0 कब आएगा 5 जल्दी बताओ कितनों को याद है रिप्लेसमेंट सेट और हिस्से ठीक है नेगेटिव इंटीजर तो मतलब 3 -5 माइनस का 2 जो कि नेगेटिव इंटीजर एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर ठीक है तो मतलब दो नंबर लिए अपन ने उन दोनों से छोटा आंसर जैसे मैं -4 लेता हूं और एक -3 लेता हूं तो दोनों को सॉल्व करूंगा तो माइनस क्या तो -5 हो जाएगा तो -5 इन दोनों से छोटा है अच्छा बलराम बेटा एग्जांपल हो गया फिर फोर्थ वाला है एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर तो जैसे मैंने एक प्लस का 3 लिया एक प्लस का 3 लिया दोनों को ऐड किया प्लस का 5 अपने को पता है प्लस का 5 तो ऐसे है तो फिर इसमें बात करते हैं an integer smaller than only one of the integers ठीक है एक ऐसा एग्जांपल लेना है कि अपना आंसर जो आए कैसा आए एक से छोटा हो और एक से बड़ा जैसे मैं लिया 5 प्लस अब याद आया चलो एक ले लिया अच्छा एक ले लिया 9 अच्छा एक ले लिया माइनस का तो क्या आया 6 9 माइनस 3 क्या आया 6 तो आपने बताया ये जो 6 है तो रिप्लेसमेंट सेट मैंने आपको बता दिया था रिप्लेसमेंट सेट एक बड़ा से छोटा है तो ये ऐसा ही एक बात की तरह था वो और सॉल्यूशन सेट एक छोटा सेट है जो कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे सेंड कर देना प्रॉब्लम होती है तो मैं थोड़ा और स्लो वीडियो बना लेता हूं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपको समझ में आना चाहिए मेन अपना पर्पस वीडियो वाला तो इसी तरीके से आपने पिछले सेशन में इसमें हिंट दे रखा है। चलिए वेरी गुड मैंने करवा दी है वैसे रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 में देखो ये पूछ रहा है स्मॉलेस्ट इंटीजर सबसे छोटा जो इंटीजर है वो 0 है क्या नहीं अंडा डॉटेड अंडा इंटीजर 0 1 अगर दिया हुआ हो x ग्रेटर देन 2 तक चलते रहते हैं -1 -2 -3 खाली अंडा बना के ऐसे चले जाओ बहुत छोटे तक चलते रहते हैं खाली अंडा डॉटेड अंडा तो स्मॉलेस्ट इंटीजर 0 को ही पहले से बीच में आ रहा है और वहीं अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिया हुआ है तो आप यहां आओगे 2 से और यहां पे डॉटेड अंडा बना आगे देखते हैं ब्लैक सर्कल नेक्स्ट वाला -10 इज ग्रेटर देन -10 है वो क्या बड़ा है -7 नहीं अपने को पता है माइनस में नंबर जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं -10 है वो एक्चुअली छोटा है शाबाश जैस्मिन ये चलो तो ये सारी चीजें हमने पिछले सेशन में देख रखी है 0 इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर तो वो तो पता ही है अगला देखते हैं सभी माइनस के नंबर से बड़ा है इक्वल सबसे ये बड़ा है मतलब इस वैल्यू को हम ले सकते हैं अगर ये फिर बात करते हैं द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर मतलब दो नेगेटिव इंटीजर का जो सम ऐड करते हैं तो नेगेटिव इंटीजर ही आता है बिल्कुल सही बात है जैसे मैंने ये लिया -3 दूसरा लिया माइनस दोनों को ऐड करके देखते हैं बीस प्लस का साइन लगा दिया ऐड करने के लिए तो ये -3 ये अपना प्लस आपको पता है माइनस होने वाला है
तो दोनों माइनस के हैं तो माइनस का फैक्टर आएगा तो माइनस का ही अपना रिजल्ट आएगा। तो दो नेगेटिव इंटीजर को ऐड करेंगे तो अपना आंसर माइनस में ही आएगा। द सम ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ए पॉजिटिव इंटीजर। ये ठीक है, इसमें कहना क्या चाह रहे हैं कि एक माइनस का नंबर ले एक प्लस का नंबर ले और हमेशा प्लस का ही आंसर आता है, माइनस का आता है। जैसे मैं लूं 5, एक प्लस का लिया 5 और माइनस का लिया 2 तो अपना प्लस का आंसर आता है। ठीक है, और मैंने 2 को ले लिया प्लस का, 5 को ले लिया माइनस का, तो आपने बताया है माइनस 3 आता है क्योंकि माइनस का बड़ा है ना, तो माइनस का बचेगा। तो पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि ऑलवेज ए पॉजिटिव इंटीजर, हमेशा पॉजिटिव आता है, क्योंकि बात गलत है। तो ये मेरी बात ना, ठीक है, आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। तो जो वन ए अपनी एक्सरसाइज है ये आप आना वो निकाल लेना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पे सेंड करना। मैं इसके ऊपर जो ये ऐड सब्जेक्ट में अगर तुमको प्रॉब्लम होती है तो इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो आप बता सकते हो मेरे को व्हाट्सएप, ठीक है, चलो समझ में आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।